तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं सिकंदर टेक फॉर यू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी का पेंशन कैसे चेक कर सकते हो सिंपल और आसान तरीके से। कोई भी पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, यानी तीनों ही पेंशन आप इजीली सिंपल और आसान तरीके से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं ऑनलाइन किस तरीके से आपको देखना है, वो भी आपके मोबाइल फोन में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यूपी का अगर पेंशन देखना है, आपको गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च कर देना है क्या यूपी पेंशन। लिखेंगे हम यूपी पेंशन। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च करा तो आपके सामने ये इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर देना है यूपी पेंशन। यूपी का कोई भी पेंशन चेक कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका नाम वगैरह, जो भी आपका नाम है, आपके गाँव की जितनी भी लिस्ट है, सारी लिस्ट दिखेगी। तो उसके लिए जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसमें आपको मोदी जी का, योगी जी का, दोनों के फोटो यहाँ पे लगे हुए दिख जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ इस वेबसाइट पे आते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा पेंशन आपको कौन सी चेक करनी है। वृद्धावस्था पेंशन चेक करनी है, निरक्षित महिला पेंशन चेक करनी है, या दिव्यांग पेंशन चेक करनी है। आपको तीनों ही टाइप देखने को मिल रहे पेंशन की। मान लीजिए आपको यहाँ पे कौन सा पेंशन चेक करना है, निरक्षित महिला पेंशन, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये निरक्षित महिला पेंशन यानी विधवा पेंशन होता है, तो वो चेक कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, अब आपको यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको इसको जूम कर लेना है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ पेंशन की सूची, पेंशन की सूची में लिखा है 2023-2024, तो हम 2023-2024 वाला में पे क्लिक करेंगे। 2024 चल रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको चेक कर लेना है आप कहाँ, कौन से जनपद में रहते हो। आपको ये देख लेना आप रहते कहाँ हो, आप आगरा में रहते हो, किधर रहते हो, हापुर में रहते हो। आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसमें सारे गांव दिखेंगे, गाजीपुर दिखेगा, गाजियाबाद दिखेगा, आप फतेहपुर दिखेगा, बिजनौर दिखेगा। मान लीजिए आप रहते हो यहाँ पे किधर, बिजनौर में रहते हो, या फिर आगरा में रहते हो, या फिर आप रहते हो मान लीजिए हापुर में। मान लीजिए अगर हापुर में रहते हो तो हम क्या करेंगे, हापुर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप हापुर पे क्लिक करोगे, हापुर के अंदर कितने खंड आते हैं, तो खंड की लिस्ट आ जाएगी। आपको आपका सही खंड सेलेक्ट कर लेना। अगर आप गलत खंड सेलेक्ट करोगे तो आपको आपका गांव नहीं मिल पाएगा। तो मान लीजिए हम रहते हैं ग्राह में, तो हमें ग्राह सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे जैसे सेलेक्ट करोगे तो खंड के अंदर जितनी ग्राम पंचायत आती है, आपको आपकी ग्राम पंचायत देख लेना है केयरफुली, सही ग्राम पंचायत। तो हम यहाँ पे हमारी ग्राम पंचायत देख लेते हैं, हमारी ग्राम पंचायत ये रही है सेकंड वाली, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करोगे इस ग्राम पंचायत पे, तो ग्राम पंचायत के अंदर कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है, यहाँ पे संख्या दिख रही है। इस ग्राम पंचायत के अंदर, इस ग्राम के अंदर 104 लोगों को पेंशन मिलता है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सबके नाम लिखे होंगे। ये देखिए, रजिस्टर संख्या नंबर देखने को मिल रही है आपको, पेंशनकर्ता का नाम देखने को मिल रहा है, पिता का नाम, महिला या पुरुष, उनकी आयु क्या है, उनके मोबाइल नंबर के लास्ट चार डिजिट, ठीक है। उसके बाद कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, यानी उन्होंने जो बैंक दिया है कौन सा बैंक दिया है, पंजाब नेशनल है, कैनरा है, ठीक है। उसके अलावा अकाउंट के चार लास्ट डिजिट और पेमेंट यहाँ पर लिखा गया है बाकायदा कि उनके पेमेंट रिलीज हो चुका है, उनके अकाउंट में आ चुका है, लास्ट क्वार्टर का जो पेमेंट था वो आ चुका है। अगर आपको कोई SMS नहीं आया है तो जाइए बैंक में और बैंक का स्टेटमेंट निकालिए और चेक कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया था या नहीं आया था। अगर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है तो कितनी तारीख को क्रेडिट हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे लोगों का इशू ये होता है कि उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है पेंशन का, लेकिन उनको SMS नहीं आता है बैंक की तरफ से, तो कुछ भी इशू होता है, हो सकता है सर्वर का प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू हो सकता है जिससे उनको SMS नहीं आता और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए, और वो परेशान होने लगते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप चेक कर लो ऑनलाइन कि आपको ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं रिलीज़। अगर आपको रिलीज़ दिख रहा है मतलब पैसा आ चुका है। आप इस बैंक में जाइए, स्टेटमेंट निकालिए और आपको आपका अकाउंट में पैसा दिख जाएगा कि वो आ चुका है और कितनी तारीख को आया है। अगर नहीं आया है तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।